दोस्तों हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस नए व्लॉग पे। हम कहाँ हैं वो तो आप लोग जान ही चुके हैं। आज दोस्तों सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम अभी ब्रश कर रहे हैं। कहने का मतलब हम लोग नहा धो लिए, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने ब्रश करना स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग ब्रश लाना भूल गए दोस्तों, इसलिए दातुन जो होता है दातुन उसी को हम लोग कर रहे हैं। और ये आप देख रहे होंगे ये क्या है, सिंधवायर की क्या बोला जाता है हम लोग के यहाँ पे। एक्चुअली में दोस्तों करंज का या फिर नीम का दातुन किया जाता है, बट यहाँ पे हम लोग को वो भी नहीं मिल रहा है। इस साइड तो उतना नीम हुआ और ये करंज हुआ इस टाइप का पेड़ नहीं है। यहाँ पे दोस्तों साल का पेड़ है ज़्यादा, तो साल का तो जो भी होता है उसे दातुन किया जाता है, बट हम लोग इसी से कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही है सीन। तो चलिए ब्रेकफास्ट वगैरह करके दोस्तों फिर अपना काम पे हम लोग लग जाएंगे। तो हमें तो होटल ही जाना है, तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम खाएंगे पूड़ी और जलेबी, तो आप देख सकते हैं सस्ती और मैंने ले लिया है। तो फाइनली दोस्तों ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम डायरेक्ट काम पे आ गए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिन में हमने कितना काम किया है। और इस साइड भी देखिए दोस्तों, और इस साइड भी पूरा दोस्तों हम लोगों ने ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर ही दिया है। बस और 1 दिन लगेंगे दोस्तों, उसके बाद ये काम कम्प्लीट। बारिश नहीं होती तो दोस्तों जल्दी ही बन जाता, बट क्या करें, बारिश बार बार हो रही है, इसी वजह से जो काम है वो निपट नहीं पाया है। और स्कूल दोस्तों पता नहीं क्या चीज़ की छुट्टी है, तो चलिए हमें कल तक इसे कंप्लीट भी करना है। आज इसमें जितना काम होगा दोस्तों करेंगे, उसके बाद कल इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये रही दोस्तों पेंटिंग, जो कि इस पर कलर नहीं हुआ है, जो कि मेरे गुरुजी ने स्केच किया था, यहाँ पे हमने कर दिया है कलर। और ये भी देख सकते हैं आप, और इस साइड का दोस्तों हम ही लोग का बनाया हुआ और हम ही लोग का कलर किया हुआ, आप देख रहे होंगे कैसा लग रहा है। महेंद्र सिंह धोनी देखिए, और ये देखिए जो कि फुटबॉल चैम्पियन है, और ये देखिए ये तो ऐसे ही मैंने बना दिया था दोस्तों, और ये हॉकी प्लेयर्स भी मैंने ऐसे ही बनाया था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बाघ बनाया हुआ है, स्केच किया हुआ है। और इस साइड दोस्तों प्लेन है, कहने का मतलब यहाँ पे मुझे 2 पेंटिंग्स बनानी है जो कि मैं आप लोग को आगे दिखाऊँगा, बट दोस्तों देखते हैं ये कम्प्लीट कर पाते हैं या नहीं। कहने का मतलब इस साइड ही हमें कम्प्लीट करना है अभी, तो फिलहाल तो इसी को देखिए आप, और जो भी है वही दिखाऊंगा मैं अभी। और यहाँ काम कर करके दोस्तों फेस जो है पूरा एकदम काला पड़ गया, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट धूप डायरेक्ट पड़ रही है फेस पे। बारिश हो रही है, बट काम खराब करने वाली बारिश हो रही है। थोड़ी देर बारिश होती है फिर से अपना काम रुक जाता है, इसी वजह से दोस्तों हम लोग का काम जो है वो कम्प्लीट नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो फाइनली दोस्तों आज है अगला दिन, और हम पूरा कंप्लीट तो नहीं कर पाए थे कल, बट दोस्तों आज ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग बहुत ही बिजी हैं दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ, और शशि भी बिजी है अपना काम पे। तो आपने देखा जितना हम लोगों ने बनाया है, और स्कूल का भीड़ का वजह से दोस्तों मैं वीडियो भी शूट नहीं करता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों स्पीकर वगैरह बजते रहता है इसलिए नहीं शूट कर पाता हूँ। और ये आप देख रहे होंगे कल की पेंटिंग हमारी, और उस साइड दोस्तों हमने कल ही बनाया है, ये तो पहले ही बनाया हुआ था, अब ये हमने कल कंप्लीट किया है। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं हम पेंट महात्मा गांधी को, और आपको भी दिखाता हूँ इसे, मैंने ग्रिड मेथड से ही इसे बनाया है। तो चलिए देखिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये पेंटिंग जो है वो कैसा लगा, और बाकी बात सारे पेंटिंग आपको कैसे लगे। तो ये है दोस्तों महात्मा गांधी की स्केच, और आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे मैंने ग्रिड मेथड के ऊपर वीडियो बना रखा है, और काफ़ी परफेक्ट स्केच भी हुआ है। और इस साइड भी दोस्तों मुझे एक पेंटिंग बनानी है जो कि बिरसा मुंडा की है, तो वहाँ पर मैंने फेस के लिए खाली उस पर ग्रिड कर रखा है, और उसमें स्केच भी मैंने कर दिया है। और इस साइड इसे कम्प्लीट करने में दोस्तों कितना टाइम लगेगा मुझे वो तो मुझे नहीं मालूम,
बट दोस्तों आप वीडियो को जो है पूरा देखिए, आपको पूरा डिटेल से देखने को मिलेगा। कहने का मतलब टाइम लेप्स ही रहेगा बट आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए आप टाइम लेप्स की वीडियो को इंजॉय कीजिए, और थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए किस टाइप से मैं पेंटिंग जो है बना रहा हूँ।